गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम बीए फर्स्ट ईयर में लोकतंत्र पढ़ रहे थे और लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी और हमने लोकतंत्र की सफलता के लिए 7 आवश्यक परिस्थितियां पिछली कक्षा में जो है हमने पढ़ी थी। तो देखिए, इसके बाद में भी लोकतंत्र की आवश्यकता सफल संचालन के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके कारण लोकतंत्र सफलतापूर्वक जो है संचालित हो सकता है। तो अगली हम आवश्यक शर्तें देखते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए। अगली आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो है, अगला पॉइंट है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन ये लोकतंत्र की अगली आवश्यक शर्त है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। तो देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। स्थानीय शासन नहीं, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, अधिनायक तंत्र का आधार, अधिनायक तंत्र का आधार केंद्रीकरण है। अधिनायक तंत्र का आधार केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है। उसके विपरीत, उसके विपरीत लोकतंत्र का आधार, उसके विपरीत लोकतंत्र का आधार विकेंद्रीकरण है। उसके विपरीत लोकतंत्र का आधार विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण है। तो देखिए, अधिनायक तंत्र में हम देखते हैं कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहती है या किसी वर्ग विशेष के हाथ में रहती है, वर्ग समूह के हाथ में रहती है। जबकि लोकतंत्र में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में या एक वर्ग समूह के हाथों में न रहकर सत्ता जो होती है जन समूह में केंद्रित होती है। और हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता ऊपर से लेकर निम्न स्तर तक सत्ता क्या होती है? बटी ही होती है। जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं समय समय पर होने वाले जो इलेक्शंस होते हैं, उनमें इलेक्शंस में हम देखते हैं कि केंद्रीय स्तर के इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम केंद्रीय सरकारों को निर्वाचित करते हैं एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। उसी प्रकार से राज्य स्तर में भी निर्वाचन होते हैं और उसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर पंचायत समितियां, जिला परिषद, जिला प्रमुख, इन सबके पार्षद, इन सबके भी विधायक, इन सबके भी चुनाव होते हैं। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का आधार क्या है? विकेंद्रीकरण, अर्थात सत्ता ऊपर से लेकर नीचे तक निम्न स्तर तक सत्ता क्या होती है? पटी होती है। जबकि अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण हमें दिखाई देता है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में या एक वर्ग समूह के हाथ में ही सत्ता क्या होती है? उसके हाथों में निहित होती है। जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, सत्ता नीचे से लेकर ऊपर तक जो है हम देखते हैं कि सत्ता के विभिन्न चरण होते हैं और इनमें सत्ता जो होती है पूरी तरह से विकेंद्रीकृत होती है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और हम देखते हैं कि जनता जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का आधार है और सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही सत्ता, सत्ता का
विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही, सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता जनता शासन के कार्यों में जनता शासन के कार्यों में जनता शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। तो देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकृत स्वरूप हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिखाई देता है, और सत्ता के विकेंद्रीकरण होने के कारण ही जो जनता जो होती है वो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप हमें स्थानीय स्वशासन में भी दिखाई देता है कि स्थानीय स्वशासन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है स्थानीय स्तर पर भी इलेक्शंस होते हैं और सामान्य व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से शासन के कार्यों में भाग लेता है। और देखिए, लोकतंत्र के स्कूल होते हैं, स्थानीय स्वशासन वाली जो संस्थाएं होती हैं वो लोकतंत्र के स्कूल कहे जाते हैं, और वहां पर किस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है किस प्रकार स्थानीय स्तर पर ही राजनीतिक शिक्षा जो है उसे मिलती है और राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। अगली आवश्यकता है नागरिक स्वतंत्रताएं। तो देखिए, नागरिक स्वतंत्रताएं अगली आवश्यक शर्त है, नागरिक स्वतंत्रताएं। तो देखिए, लोकतंत्र लोकतंत्र सीमित शासन लोकतंत्र सीमित शासन पर आधारित होता है सीमित शासन पर आधारित होता है और सीमित शासन पर आधारित होता है और संविधान द्वारा नागरिकों को आधारित होता है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है संविधान द्वारा इसका अर्थ है संविधान द्वारा नागरिकों को संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का दी जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी करना चाहिए। तो देखिए, संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए और स्वतंत्रताओं का रक्षा का प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नागरिक स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को प्राप्त होती है और व्यक्ति किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करता है, संगठन बनाने की शक्ति, सभा करने की शक्ति,
अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि लोकतंत्र में सबसे आवश्यक है कि व्यक्तियों को जो है स्वतंत्रताएं सुनिश्चित रूप से दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, संघ बनाने की शक्ति नहीं है, संगठन बनाने की शक्ति नहीं है, विरोध करने की शक्ति नहीं है, तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये सब चीजें होनी चाहिए। और यदि किसी शासन व्यवस्था में ये सब आवश्यक जो है आवश्यक शर्तें हमें नहीं देखने को मिलती, तो हम देखते हैं कि वहां पर केवल लोकतंत्र का केवल बाहरी आवरण है, वहां उस शासन व्यवस्था में जड़ में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हम वहां की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कहते। इसलिए लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं की जो है पूर्णतः वकालत की जाती है, और ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, किस प्रकार से उसे सरकार की आलोचना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो इसलिए लोकतांत्रिक उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सबसे प्रमुख मानते हैं। तो देखिए, इसलिए नागरिक स्वतंत्रताओं की बात हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में करते हैं। अगला है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। तो देखिए, लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं, लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। देखिए, लिखित संविधान का अर्थ है लिखित संविधान का लिखित संविधान का अर्थ है लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उसकी व्याख्या को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो, कोई विवाद उत्पन्न न हो। तो देखिए, लिखित संविधान होना चाहिए। लिखित संविधान का मतलब है सीमित और मर्यादित शासन। जिस प्रकार से हम अधिनायक तंत्र में देखते हैं कि वहां पर संविधान जो लिखित रूप में नहीं होता है, और किस प्रकार यदि लिखित रूप में भी हो तो भी हम देखते हैं कि शासन जो होता है वो मनमाने तरीके से होता है, शासन असीमित और अमर्यादित होता है, शासन पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं होता, शासन पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि संविधान लिखित होना चाहिए और लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित होना चाहिए। लिखित होने का मतलब है कि संविधान में जो भी नियम है वो बिल्कुल उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उसकी व्याख्या को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान की बात हम करते हैं। इसके साथ साथ ही लोकतांत्रिक परंपराएं जो है वो भी जो है इसमें होनी चाहिए। तो देखिए, लोकतांत्रिक परंपराओं में हम देखते हैं
कि किस प्रकार जैसे कि देखिए लोकतांत्रिक परंपराएं लोकतांत्रिक परंपराएं भी आवश्यक है जैसे कि विपक्ष का होना मंत्रिमंडल का निर्माण करना व्यवस्थापिका के स्पीकर यानी अध्यक्ष व्यवस्थापिका के स्पीकर का सर्वसम्मति से चुनाव करना आदि। तो देखिए ये लोकतांत्रिक परंपराएं भी हमें वहां पर होनी आवश्यक है ताकि वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक जो है संचालित हो सके। जैसे कि लोकतांत्रिक परंपराएं हैं रचनात्मक विपक्ष का होना मंत्रिमंडल का निर्माण करना व्यवस्थापिका के स्पीकर अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव करना आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। अगली शर्त है देखिए अगली शर्त है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो देखिए लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी चाहिए। देखिए लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है। तो देखिए लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है। संविधानवाद है जिसमें सरकार को निरंकुश सत्ता
प्राप्त नहीं होती। तो देखिए लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है और हम देखते हैं कि इसमें सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती और हम देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए संवैधानिक मर्यादा में सीमाओं को स्वीकारना तो निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती और लोकतांत्रिक सीमाओं व लोकतांत्रिक सीमाओं व मर्यादाओं को स्वीकारना होता है। तो हम देखते हैं निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती और किस प्रकार से लोकतांत्रिक सीमाएं और मर्यादाएं स्वीकारनी होती है और हम देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है। तो देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है। तो देखिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका किस प्रकार से अपने न्याय को स्वतंत्र रूप से जो है प्रदान करेगी जनता को और कार्यपालिका को कानूनों को क्रियान्वित करने में वो उसको अत्याचारी बनने से रोकेगी। उसी प्रकार से व्यवस्थापिका जो है कानून निर्माण की शक्ति व्यवस्थापिका को प्राप्त है तो व्यवस्थापिका अवैध तरीके से जो कानून बनाती है उन अवैध कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो देखिए न्यायपालिका का शक्तिशाली होना बहुत ही जरूरी है। न्यायपालिका शक्तिशाली होगी तभी तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अपनी मनमानी करने से वो रोक पाएगी और इन दोनों को शासन पे हावी नहीं होने देगी, शासन पे इनके अत्याचार से शासन को बचाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला हम देखते हैं अगली जो है आवश्यक शर्त है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। तो देखिए योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र हम देखते हैं अगली आवश्यक शर्त है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र देखिए लोकतंत्र में शासन अर्थात जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को
बनाई गई नीतियों को कर्मचारी गण ही लागू करता है, अतः उन्हें अतः उनका प्रशासनिक रूप से कुशल होना आवश्यक है। तो देखिए लोकतंत्र में हम देखते हैं कि कर्मचारी गण ही जनप्रतिनिधियों के कार्यों को लागू करते हैं, अतः उनका प्रशासनिक रूप से कुशल होना बहुत ही आवश्यक है। यदि वो कुशल होंगे तो जनता के प्रति सेवाभावी होंगे और सेवा भाव से वो जनता की क्या करेंगे, सेवा करेंगे कुशलता के साथ। अगली हम देखते हैं कि अगली आवश्यकता है स्वस्थ व सुसंगठित राजनीतिक दल व्यवस्था। स्वस्थ व सुसंगठित राजनीतिक दल व्यवस्था, तो देखिए स्वस्थ व कुशल राजनीतिक दल का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है। तो देखिए लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की राजनीतिक दलों की नीतियों कार्यक्रमों कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है, तो देखिए स्वस्थ व सुसंगठित राजनीतिक दल, क्योंकि लोकतंत्र के पहिए राजनीतिक दल हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए दलीय व्यवस्था का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दलीय व्यवस्था के कारण ही लोकतंत्र जो है सफल रूप से संचालित होता है। तो देखिए अगली हम देखते आवश्यकता है योग्य तथा निष्ठावान राजनेता, अगला है योग्य तथा निष्ठावान राजनेता। तो देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि योग्य व निष्ठा से युक्त राजनेता हो, क्योंकि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान जो है कुशल व योग्य राजनेता ही कर सकते हैं। इसलिए योग्य व कुशल राजनेताओं का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान जो है इन्हीं के द्वारा हल किया जाता है। और हम देखते हैं कि नेतृत्व जो होता है वही वास्तव में लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करता है। तो इसलिए कुशल नेतृत्व के धनी वाले व्यक्तियों को ही
हम देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनेता के रूप में उन्हें सेवाएं देनी चाहिए। तो इस प्रकार देखिए लोकतंत्र की हमने निम्नलिखित आवश्यकताएं परिस्थितियां पढ़ी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित ये आवश्यक शर्तें हैं और लोकतंत्र इन आवश्यक परिस्थितियों के द्वारा ही सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है। तो देखिए हमने पिछली कक्षा में लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पढ़ा था और उसके समाधान के लिए हमने ये आवश्यक शर्तें बताई, किस प्रकार से उस लोकतंत्र की जो समस्याएं हमने पढ़ी उनको किस प्रकार हम उनका समाधान करके लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और मजबूत बना सकते हैं, ताकि लोकतंत्र सफलता के साथ में जो है निरंतर गतिशीलता के साथ संचालित हो सके।